नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 3,460 लोगों की हुई मौतें। कोरोना के चलते गृह मंत्रालय के एपोर्ट कमेटी में अब होंगे 10 सदस्य। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे नेतृत्व। स्थानीय संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे सरकार की पुनर्विचार याचिका ठुकराई। एक वर्ष में पेट्रोल 24 रुपए महंगा। लॉकडाउन के दौरान भी राहत नहीं। मनपा ने दिया आदेश, कहा अधिक वसूली रकम वापस करे रेडियंस अस्पताल। थाईलैंड के बौद्ध उपासकों ने नागपुर के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद की। पालक मंत्री नितिन राउत ने विभागीय आयुक्त को सौंपी। 36 जिलों में खुलेंगे 36 खेलो इंडिया सेंटर। 3,60,00,000 रुपए आएगी लागत। 5 पोस्ट कोविड केयर सेंटर सोमवार से होंगे शुरू। ब्लैक फंगस की होगी जांच। शनिवार को शहर में 392 नए कोरोना मरीज आए सामने। 14 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक करीब 3,26,000 संक्रमितों की हुई मौत। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।